हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आइए आज हम लोग चलते हैं फिर से लाइट के आगे वाले पार्ट्स पे देखेंगे। इसके पहले वीडियोस हम लोगों ने ये देखा था कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज होती कैसे है, कौन कौन से हमें रूल्स फॉलो करने हैं। हम लोगों ने इमेज भी फॉर्म किया है, हम लोगों ने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को भी क्रिएट किया है, हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर जाना है, प्लेन मिरर जाना है। आज हम लोग ये जानेंगे कि किसी भी कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। कुल हम लोगों को 6 स्टेप्स पढ़ने, पहली बात जान लीजिए, कुल हम लोगों को जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं वो 6 टाइप से बनते हैं। पहला टाइप क्या होता है, जो पहला टाइप होता है कि इफ वी कीप एन ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। जो पहला पॉइंट हमारा होता है कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कीप करते हैं कहां पे, बिटवीन पोल एंड फोकस पे। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कैप्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, यहाँ पे पी फॉर पोल है, एफ फॉर फोकस है। इस सारे नोटिफिकेशंस का हमने आपको सारे नोटेशंस को पिछले वीडियो में डिटेल में बताया था कि पी क्या होता है, पोल होता है, और एफ क्या होता है, फोकस होता है, और ये बिटवीन का नोटेशन है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, पोल और फोकस के बीच में रखेंगे। आइए रखते हैं, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। थोड़ा सा मैं छोटा इमेज इसलिए बना रहा हूँ ताकि हम लोग सारे स्टेप्स को कर पाएंगे ना, इससे थोड़ा छोटा इमेज बनाएंगे। ये हमने क्या किया, एक साइड से हमने क्या किया, मिरर को पॉलिश कर दिया। ये पॉइंट हमारा क्या होता बताया था मैंने आपको, ये पॉइंट जो होता हमारा, ये पोल होता है, यहाँ पे हमारा फोकस है, और सेम इतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पे हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो मैंने आपसे क्या बोला, जब पहला कंडीशन क्या है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे। तो आइए ऑब्जेक्ट को रखते हैं, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा। हमने आपको जो रूल्स बताए थे उस रूल्स हमने क्या कहा था कि जब भी कोई रे जो होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पैरेलल आती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करती है, फोकस से पास करती है। रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। दूसरा बात हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कोई भी अगर हमारी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो वो कहाँ जाती है, रिफ्लेक्शन के बाद भी एकदम सेम उसी अपने पाथ पे वापस आती है। लेकिन चूंकि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, एफ और पी के बीच में है, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे हमारी ये लाइन और दूसरे साइड में जाएगी, और सेम यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोग जब लाइन ड्रा करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ से ये जो जाएगी और ये कहीं यहीं पे जाकर कहीं मिलेगी इधर, मतलब क्या हो रहा है, बियॉन्ड द मिरर इमेज मिल रही है। और हमारा कहाँ पे इमेज फॉर्म होगा, हमारा जो इमेज फॉर्म होगा वो कहाँ पे होगा, बियॉन्ड द मिरर होगा। तो दो तीन बातें हम लोग कह सकते हैं। पहली बात क्या कह सकते हैं कि जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, बिहाइंड द मिरर हो रहा है। इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, पहली बात इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, बिहाइंड द मिरर होगा। दूसरी बात क्या होगी, जो हमारा इमेज फॉर्म हो रही है वो कैसी है, वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। इरेक्ट के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि इरेक्ट मतलब क्या होता है, सीधा होता है, एकदम स्ट्रेट होता है। जो हमारी इमेज हो कैसी होगी, पहली बात बिहाइंड द मिरर होगी, दूसरी कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। एक बात और जान लीजिए, जो हमारे इमेज की जो लेंथ होगी ना वो क्या होगी, लॉन्गर देन द ऑब्जेक्ट। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इतना, जैसे मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट का यहाँ पे है ए है और बी है, और जो हमने यहाँ पे इमेज फॉर्म करा है वो क्या है, ए डैश है और बी डैश है। तो हो क्या रहा है, जो हमारी इमेज फॉर्म हो रही है वो क्या हो रही है, लॉन्गर देन द ऑब्जेक्ट, लॉन्गर देन द ऑब्जेक्ट, लॉन्गर देन द ऑब्जेक्ट। इतनी बात मेरी समझ में आई। मैंने आपको ये बताया कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट कैप्ट कहां पे करेंगे, बिटवीन एफ एंड पी के बीच में, जब हमारी ऑब्जेक्ट जो होगी वो फोकस और पोल के बीच में रखी जाएगी, उस समय जो हमारा इमेज फॉर्म होता है वो बिहाइंड द मिरर होता है, वो वर्चुअल होता है, रियल नहीं होता है। अभी आपको बताऊंगा मैं, इसके बाद जो पांचों केसेस जो फॉर्म हो रहे हैं ना, वहां पे जो हमारे इमेज फॉर्म होंगे वो कैसे होंगे, रियल होंगे। बट लेकिन यहां पे क्या है, वर्चुअल है, और जब वर्चुअल होगा तो इरेक्ट तो उसके साथ रहना ही रहना है, तो जानते होंगे आप लोग। अच्छा एक बात और, जो हमारा इमेज फॉर्म होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट से लॉन्गर होता है। यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ए डैश बी डैश जो है ग्रेटर देन ए बी, ये क्या हमारी है, ये हमारे इमेज की लेंथ है और ये हमारे ऑब्जेक्ट की लेंथ है। तो जो हमारे इमेज की लेंथ है वो क्या होगी, ग्रेटर होगी इन द कंपैरिजन ऑफ ऑब्जेक्ट के लेंथ में। इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग दूसरे कंडीशन को देखते हैं, दूसरे कंडीशन के लिए इसको मैं मिटाता हूं।
ध्यान से देखिएगा, हम लोग 6 कंडीशन पे फटाफट रिवीजन भी कर लेंगे और एक बार पढ़ भी लेंगे, दोनों काम एक साथ करना, क्योंकि अब एग्जाम्स हमारे नजदीक आ रहे हैं तो इसलिए हम लोग दोनों काम को साथ में करेंगे, रिवीजन भी करते रहेंगे, पढ़ते भी रहेंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। दूसरा मैंने क्या बोला, व्हेन आवर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। अब मैंने ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया, फोकस पर रखिए। आइए देखते हैं कैसे रखते हैं। ये हमारा है कॉनकेव मिरर, याद रखिए, पॉलिश करना नहीं भूलेगा, एग्जाम्स में 5 नंबर में आते हैं और हमको एकदम आराम से हम लोग यहां पे इजिली इस सेक्शन से मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये पॉइंट हमारा, हमने बताया आपसे, जो टच करता है मिरर को उसे बोलते हैं पोल। यहीं पे हमारा होगा फोकस, देखिए इक्विवेलेंट डिस्टेंस है, एकदम सेम डिस्टेंस हमारा यहाँ पे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने आपसे क्या बोला, हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखनी है, ऑब्जेक्ट को रखनी है फोकस पे। ये मेरा ऑब्जेक्ट है ए और बी, हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, फोकस पे रखा है। अरे भाई ऑब्जेक्ट आप कहीं पे भी रखिए, लेकिन जो रूल है वो तो, रूल तो फॉलो होगा ना, आपको सिर्फ देखना, तो जो रूल होगा वो रूल तो फॉलो होगा ना। पहला रूल क्या है, अगर कोई भी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पैरेलल जा रही है, अगर हमारा यहाँ पे जो बीम है लाइट की वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पैरेलल जा रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से पास करेगी, ए फोकस से पास करेगी। ये बात याद है ना आप लोगों को, जब ये फोकस से पास करेगी पहली बात, दूसरी बात जो हमने ये भी जाना है कि अगर कोई लाइट की बीम इंसिडेंट करती है जिस एंगल पे, एकदम सेम उसी एंगल से वो वापस बैक आएगी। अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं, ये हमारी दोनों इंसिडेंट रेस थी और ये दोनों क्या हमारी है, रिफ्लेक्टेड रे हैं। अब आप एक बात ये देखिएगा, जो हमारा इमेज है वो देखिए, दोनों लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो जब दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो गई तो ये कहीं पे आपस में मिलेंगी नहीं, और इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इनफाइनाइट पे। इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इनफाइनाइट पे। ये बात समझ में आई, तो दो तीन हम लोगों को यहाँ पे रिजल्ट मिलता है। पहला रिजल्ट क्या मिलता है कि जो हमारा इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो कैसा कहाँ हो रहा है, एट इनफाइनाइट। इमेज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट मतलब इन्फिनिटी, हमारा इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, इन्फिनिटी पे हो रहा है। दूसरी बात, पहली बात तो ये हो गई, इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, इन्फिनिटी पे हो रहा है। दूसरा, जो हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है ना वो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। पहला हमने क्या जाना कि जो हमारा इमेज फॉर्म होगा वो इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा, दूसरा इमेज हमारा कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा, तीसरा हाईली मैग्नीफाइड होगा, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड क्यों, अब खुद देखिए ना, ये जब चूंकि क्या हो रहा है, इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी तो इमेज की साइज क्या होगी, ऑब्जेक्ट कंपेरिजन में बहुत बड़ी होगी। आइए अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले हमने कहाँ रखा, पहले ऑब्जेक्ट को हमने F और P के बीच में रखा, अब F पे रखा, अब और आगे शिफ्ट होंगे, अब हम लोग कहाँ पे रखेंगे, बिटवीन F एंड C। अब हम लोग कहाँ पे रखेंगे इसे, बिटवीन F एंड C, आइए देखते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, इसलिए मैं साइड भी हो जाता हूँ। आइए अब हम लोग तीसरे स्टेप को देखते हैं और तीसरी स्टेप स्थिति को देखते हैं, इसे मिटाता हूँ मैं। अब यहाँ के सेक्शन से बहुत आराम से मिलता है और ये कई बार एग्जाम्स में आता है, और 6 स्टेप्स को अगर आप बना दिए तो आपको आराम से 6 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे, और अगर 6 नहीं पूरा आ रहा तो यहाँ से एक न एक आना तो कन्फर्म है, एक न एक तो आना 100% कन्फर्म है। आइए देखते हैं तीसरी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कैप्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कैप्ट बिटवीन एफ एंड सी। अच्छा एक बात ये जान लीजिए, यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नोटेशंस यूज़ कर, जैसे मैंने बिटवीन को बी ऑब्लिक डी यू डब्ल्यू से यूज़ कर रहा हूँ। आपको ये एग्जाम में काम नहीं करना, अगर ये काम आप एग्जाम में करेंगे ना तो वहाँ पे आपका एग्जामिनर मार्क्स पक्का काटेगा, तो इसलिए आपको क्या करना, आपको ये काम वहाँ पे नहीं करना है, आपको क्या करना, आपको सीधे सीधे स्ट्रेट लिखना है। ये बात समझ में आ गई। आइए देखते हैं, ये हमने क्या किया, अपना एक मिरर बनाया, आराम से देखते रहिए, सारा कॉन्सेप्ट हम लोग 5 मिनट में आज कॉनकेव मिरर क्लियर करेंगे। आज के बाद हमारे मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा कॉनकेव मिरर से रिलेटेड, आज के बाद हमारे मन में कोई भी क्वेश्चन नहीं राइज होगा कॉनकेव मिरर से रिलेटेड, जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन को हम लोग फटाफट कर लेंगे, सारे क्वेश्चन को हम लोग फटाफट कर लेंगे। ये हमारा पोल था,
यहाँ पे हमारा फोकस था, यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है? अब जो हमें ऑब्जेक्ट रखना है वो रखना है बिटवीन एफ एंड सी। तो हम लोग क्या करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के रूल्स को फॉलो करेंगे। एक रे हमने यहाँ से पास कराई, पैरेलल करी, किसके पैरेलल करी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास करी तो उसके पैरेलल करी। तो क्या हो जाएगा, ये कहाँ से पास करेगी, ये पास करेगी फोकस से। थोड़ा सा हमारी लाइन यहाँ पे टेढ़ी हो जा रही है, बट आपको एग्जाम में स्केल का प्रयोग करना है। जब आप स्केल का प्रयोग करेंगे तो आपका इमेज फॉर्मेशन एकदम स्ट्रेट होगा। दूसरा ये देखते हैं, थोड़ा सा हमारी लाइन टेढ़ी जा रही है, लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान नहीं देंगे। आपको एग्जाम में क्या करना, मैंने फिर से बता रहा हूँ मैं आपसे, कि आपको वहाँ पे स्केल का प्रयोग करना है। तो जब आप स्केल का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आइए देखिए, अब हमारा इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे देखिए बिहाइंड सी हो रहा है। ध्यान से देखिए, हमारा ये ऑब्जेक्ट है ए बी, और ये क्या है हमारा इमेज है ए डैश बी डैश। अब आप देखिए, जब हमने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा तो हमारा इमेज फॉर्मेशन कहाँ हुआ, बिहाइंड सी हुआ, बिहाइंड सी हुआ। और दूसरी बात, हमारा इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड सी, ये पहली बात। दूसरी बात, दूसरी बात, अच्छा एक बात बताइए हमको कि जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की साइज है वो इमेज की साइज से छोटी है कि बड़ी? भैया बड़ी है। जो हमारा इमेज फॉर्म क्या हो रहा है, इमेज द साइज है या फिर इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तीसरी बात, यहाँ पे इमेज फॉर्म कहाँ हो रही है, हमारी इमेज कैसे फॉर्म हो रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तीनों बातें समझ में आ गई। पहला बात हम लोगों ने क्या समझा कि हमारी इमेज कैसी फॉर्म हो रही है, बिहाइंड सी हो रही है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट हो रही है और रियल एंड इन्वर्टेड हो रही है। ये बात भी आपके समझ में आ गई, ध्यान से देखिएगा, एक बार रिविजन कर लेते हैं इसका। जब हमने ऑब्जेक्ट को एफ एंड सी के बीच में रखा, मीन्स वेन वी केप्ट आवर ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी, देन वट वी फाइंड दैट द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड सी, एंड द सेकेंड थिंग द इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, एंड वन मोर कंडीशन यू मस्ट हैव टू नो दैट वट द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। वन थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू clearly is that if you have to kept your object between F and P apart from this section, you will keep your object anywhere, then the image will be formed at that will be real and inverted. बस केवल F और P के केस में थोड़ा सा अलग हमें देखना होता है, इसके अलावा ऑब्जेक्ट आप कहीं पर भी रखेंगे आपकी इमेज कैसी फॉर्म होगी, रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म होगी। ये बात समझ में आई, आगे चला जाए, आइए आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ कंडीशन को देखेंगे। कुल हम लोगों को सिक्स कंडीशंस देखने हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कुल हम लोगों को सिक्स कंडीशंस देखने हैं, और इस सिक्स कंडीशन के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, कोई भी डाउट इससे रिलेटेड नहीं रहेगा। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कैप्ट एट सी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कैप्ट एट सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखने जा रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने जा रहे हैं, ये हमारा फोर्थ स्टेप है। आइए देखते हैं, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। देखिए इसलिए मैं बार बार फिगर्स बना रहा हूँ ना, ताकि आप लोग भी मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। अगर प्रैक्टिस करेंगे ना तो इसका आपको जो आनंद आएगा वो एग्जाम में आएगा। आनंद की बात करने पर लोग आनंदमय हो जाते हैं। आइए, ये हमारा क्या था, पोल था, यहाँ पे हमारा फोकस है, यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, अब हमें ऑब्जेक्ट को रखना है सी पे, मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, हम लोग क्या करेंगे, अपने इमेज फॉर्मेशन के रूल को फॉलो करेंगे। लाइन पैरेलल गई तो ये कहाँ से आएगी, ये लाइन आएगी फोकस से। दूसरी जो लाइन गई हमारी वो यहाँ पे गई, जितना एंगल यहाँ पे फॉर्म करेगी सेम उतना ही एंगल जो फॉर्म होगा वो यहाँ पे होगा। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कहाँ हो रही है, तो अब क्या हुआ, हमने क्या देखा, जो हमारा इमेज है वो सेम कहाँ फॉर्म हुआ, सेम वही फॉर्म हुआ, जस्ट उसी के नीचे फॉर्म हुआ जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा था। अब ये देखिए, ये मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, तो हमारी इमेज कहाँ फॉर्म हुई है,
हमारी जो इमेज फॉर्म हुई है वो भी एकदम सेम पोजीशन पे फॉर्म हुई है, सेम लेंथ है, बस अंतर क्या है, जो हमारी इमेज फॉर्म हुई है वो क्या हो रही है, इनवर्ड, मतलब क्या हो रहा है, अपोजिट अस डायरेक्शन में। तो हम लोगों ने क्या देखा, पहली बात कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कैप्ट करेंगे सी पे, मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो हमारी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इमेज विल आल्सो फॉर्म एट सी। दूसरी बात, एक बात हम लोग जान लिए, दूसरी बात, इमेज हैव द सेम साइज, इमेज हैव द सेम साइज, और इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। हम लोग क्या जान लिए, दो तीन बात जान, पहली बात क्या हुआ, ये हमारी इमेज जो फॉर्म होगी वो कहां पे होगी, सेम उसी जगह पे होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी और सेम साइज होगी, सेम साइज होगी। इतनी बातें आप याद रखिएगा। आइए हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग जो ऑब्जेक्ट को रखने चल रहे हैं ना, अब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे, वो रखेंगे बिहाइंड सी। अब हम लोग जो ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहां पे, बिहाइंड सी, बिहाइंड सी। अब हम लोग का जो ऑब्जेक्ट होगा, जो पांचवी कंडीशन है, वो कहां पे होगी, ऑब्जेक्ट जो हमारा रखने जा रहे हैं, हम वो रखने जा रहे हैं बिहाइंड सी। आइए देखिए हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ये सारे पॉइंट्स अब तो आपको याद हो गए होंगे, अब तो मुझे याद नहीं दिलाना ना, ये पी है, जल्दी मेरे साथ बोलते, जल्दी बोले, जल्दी बोली, बोले भाई, ये पी है, ये एफ है, हुआ, इसे बोलो, हाँ हाँ बोलिए, ये क्या है, सी है, हो गया, पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब हम लोग ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखेंगे, मीन्स इधर कहीं रखेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे। आइए हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा, अब आइए देखते हैं, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा, एक तो जो हमारा पहला फॉर्मेशन का जो रूल है वो फॉलो होगा, जो भी हमने फॉर्मेशन के रूल्स पढ़े हैं वो सारा इमेज फॉर्मेशन के रूल्स हमें फॉलो करना है, चाहे हम लोग ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखेंगे। बात समझ में आ रही है ना, देखते हैं, हमने क्या किया, फोकस से पास करा दिया। जब हमारी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पैरेलल जा रही थी तो हमने फोकस से पास करा। दूसरी बात, अब हम लोग क्या करेंगे, दो कंडीशन हमारे पास, एक तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे को पास करा दें, या एक कंडीशन हमारे पास क्या है कि हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दें, दूसरी कंडीशन हमारे पास है कि हम लोग यहां से इमेज लेकर के फॉर्म करें। आइए देखते हैं, हम लोग, हमारे पास दोनों कंडीशन है, हम यहां से भी इमेज को लेके जा सकते हैं, और दूसरा कंडीशन क्या कर सकते हैं, हम लोग एक इमेज लेके जाएंगे एकदम सेम यहां पे एंगल पे, और यहाँ पे आएगी यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे बाइसेक्ट कर रही है दोनों रेस, जो हमारी रिफ्लेक्टेड रेस है, तो हमारा इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। मीन्स जब हम लोग ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखेंगे, मीन्स जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, इनफाइनाइट एंड सी के बीच में रहेगा, तो जो हमारी इमेज फॉर्म होगी वो क्या होगी, बिटवीन एफ एंड सी होगी, मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फॉर्म होगी, लेकिन रियल और इन्वर्टेड तो होगी ही होगी, मैंने आपको पहले बता दिया, रियल एंड इन्वर्टेड होगी होगी। दूसरी बात क्या है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगी ना, तो देखने से भी लग रहा है आपको, और होगी एक्चुअल, चूंकि यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगी और बिटवीन एफ एंड सी होगी। ये तीनों बातें समझ में आ गई, आगे चले, और इस प्रकार हम लोग पहुंच गए अपने अंतिम कंडीशन पे, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इनफाइनाइट पे होगा। बड़े मजेदार जगह की बात हम लोग करने जा रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग जगह है, वहां पे अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं ना, एकदम मजा आ जाता है। आइए देखते हैं, रखते हैं ऑब्जेक्ट को हम लोग इनफाइनाइट पे। अब हम लोग कहाँ करने जा रहे हैं, हम लोग का जो ऑब्जेक्ट होगा सबसे इम्पॉर्टेंट है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कैप्ट एट इन्फिनिटी। आइए देखते हैं, जब इन्फिनिटी होगा तो ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास कर रही है, हमारा पोल है, यहाँ पर हमारा फोकस है, और यहाँ पर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अरे भाई, ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ रखेंगे, इनफाइनाइट पे रखेंगे, तो आइए रखते हैं। यहाँ मान लीजिए इधर कहीं हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दो रेज इधर से मान लीजिए आ रही हैं, एक रेज मान लीजिए यहाँ पे आती है, और अब देखिए तो पैरेलल तो है नहीं, हालांकि अगर मैं पैरेलल भी बना सकता हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं, हम चाहे तो पैरेलल भी बना सकते हैं, उससे कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन अच्छा एक दो तरीका, एक तो हम लोग ये कर सकते हैं, और एक तरीका हम लोग ये भी कर सकते हैं, एक रे को यहाँ से पैरेलल ले जाए
कहाँ से पास करेगी, वो फोकस से पास करेगी। एक रे मान लीजिए हम इस साइड से पैरेलल लेते हैं, तो ये भी कहाँ से पास करेगी, ये भी पास करेगी, फोकस पे पास करेगी। अब ये देखिए कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, एट फोकस पे होगी, और हाईली डिमिनाइज्ड होती मतलब बहुत छोटी इमेज फॉर्म होती है। मीन्स कहाँ पे होगी, पहली बात इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। दूसरी बात इमेज कहाँ फॉर्म हुई, फोकस के पास हुई। दूसरी बात हम लोगों ने क्या देखा, जो हमारी इमेज है वो कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। तीसरा पॉइंट और जो लास्ट पॉइंट वो क्या होगी, द इमेज विल बी मच स्मॉलर या हाईली स्मॉलर, द इमेज विल बी स्मॉलर देन, मीन्स इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इमेज विल बी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो ये इस प्रकार हम लोग क्या जान लिए, आज हम लोग ये जान लिए कि कॉनकेव मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है वो कैसे फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रखना होता है, और इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं होती है। अच्छा एक बात और जान लीजिए, आप लोग सुन लीजिए जरूरी बातें हैं। अगर आप लोग इसके पहले अगर वीडियोज नहीं देखे जिसमें हमने बताया कि आप प्लेन मिरर समझाया है, जिसमें हमने बताया है कि जो हम लोग स्फेरिकल मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, तो प्लीज़ आप लोग इसके पहले वाली मीन्स लाइट के पार्ट वन को ज़रूर देखिएगा। ये जो है आप लोगों को देखना है, प्लेलिस्ट में उसका लिंक दिया हुआ है, आपको लाइट पार्ट वन ज़रूर देखना है, इसे आप लोग देखना मत भूलिएगा। और साथ में अगर आप लोग यहाँ तक मेरी वीडियो देखे हैं तो प्लीज़ आपसे विनम्र निवेदन है कि आपका जो अपना चैनल है ना यूनिक ऑनलाइन गुरु, इसे थोड़ा आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोगों के थोड़े सपोर्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने और बातों को बताने में, और आप लोगों का कमेंट मुझे भी इसलिए भी ज़रूरी ताकि हम लोग क्या कर सकें, हम लोग एक क्या हो सकता उससे एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, ताकि हम लोग अपने काम को और मन से कर पाएंगे। तो अब इस बात समझ गए होंगे कि इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।